नमस्कार, स्टोरी विद नीति में आपका स्वागत है। तो ये सुनते हैं उपन्यास निर्मला का दसवां भाग, मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ। गहने ही स्त्री की संपत्ति होते हैं, पति की और किसी संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं होता, हिनी का उसे बल और गौरव होता है। निर्मला के पास 5-6 हजार के गहने थे। जब उन्हें पहनकर वह निकलती थी तो उतनी देर के लिए उल्लास से उसका हृदय खिला रहता था। एक एक गहना मानो विपत्ति और बाधा से बचाने के लिए एक एक रक्षा शास्त्र था। अभी रात ही उसने सोचा था, जियाराम की लौंडी बनकर वह ना रहेगी, ईश्वर ना करे कि वह किसी के सामने हाथ फैलाए। इसी खेवे से वह अपनी नाव को भी पार लगा देगी और अपनी बच्ची को भी किसी ना किसी घाट पहुंचा ही देगी। उसे किस बात की चिंता है, उन्हें तो कोई उसे छीन नहीं लेगा ना। आज ये मेरे सिंगार हैं, कल को मेरे आधार हो जाएंगे। इस विचार से उसके हृदय को कितनी सांत्वना मिली थी। वह संपत्ति आज उसके हाथ से निकल गई, अब वह निराधार है। संसार उसे कोई अवलंब कोई सहारा ना था, उसकी आशाओं का आधार जड़ से कट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। ईश्वर, तुमने इतना भी ना देखा गया, मुझ दुखिया को तुमने यूं ही अपक बना दिया था, अब आंखें भी फोड़ दी। अब वह किसके सामने हाथ फैलाएगी, किसके द्वार पर भीख मांगेगी। पसीने से उसकी देह भीग गई, रोते रोते आंखें सूज गई। निर्मला सिर नीचे किए रो रही थी, रुक्मणी उसे धीरज दिला रही थी, लेकिन उसके आंसू ना रुकते थे। शोक के ज्वाल में वो जलती जाती थी। 3 बजे जियाराम स्कूल से लौटा। निर्मला उसने आने की खबर पाकर विक्षिप्त की भांति उठी और उसके कमरे के द्वार पर आकर बोली, भैया दिल्ली की हो तो दे दो, दुखिया को सताकर क्या पाओगे। जियाराम एक क्षण के लिए कातर हो उठा। चोर कला में उसका ये पहला ही प्रयास था। ये कठोरता जिससे हिंसा में मनोरंजन होता है, अभी तक उसे प्राप्त ना हुई थी। यदि उसके पास संदूकशा होता और फिर इतना मौका मिलता कि उसे ताक पर रख आए, तो कदाचित वह उसे मौके को ना छोड़ता। लेकिन संदूक उसके हाथ से निकल चुका था। यारों ने उसे सराफे में पहुंचा दिया था और औने पौने बेच भी डाला था। चोरों की झूठ के सिवा और कौन रक्षा कर सकता है। बोला, भला अम्मा जी, मैं आपसे दिल्लगी क्यों करूंगा। आप अभी तक मुझ पर शक करती जा रही हैं क्या। मैं कह चुका हूं मैं रात को घर पर नहीं था, लेकिन आपको यकीन नहीं आता तो बड़े दुख की बात है कि मुझे अपना नीच समझती हैं आप। मुझे इतना भी गिरा हुआ मत समझिए। बेशक आप मेरी सौतेली माँ हूं, लेकिन मैं ऐसा कुकृत्य नहीं करूंगा। निर्मला ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हारे शक पर शक नहीं करती भैया, तुम्हें चोरी नहीं लगती, मैंने समझा शायद दिल लगी की हो। जियाराम पर वह चोरी का संदेह कैसे कर सकती थी। दुनिया यही तो कहेगी कि लड़के की मां मर गई है तो उस पर चोरी का भी इल्जाम लगाया जा रहा है, मेरे मुंह में ही तो कालिख लगेगी। जियाराम ने आश्वासन देते हुए कहा, चलिए मैं देखूं आखिर ले कौन गया है, चोर आया किस रास्ते से। भूंगी, भैया तुम चोरों के आने को कहते हो, चूहे के बिल से तो निकल ही आते हैं, यहां तो चारों ओर ही खिड़कियां हैं। जियाराम, हाँ खूब अच्छी तरह तलाश कर लिया है। निर्मला, सारा घर तो छान मारा, अब कहाँ खोजने को कहते हो। जियाराम, आप लोग सो भी तो जाती हैं मुर्दों की तरह। 4 बजे मुंशी घर आए तो निर्मला की दशा देखकर पूछा, कैसी तबीयत है, कहीं दर्द तो नहीं है। कहकर उनको आशा को गोद में उठा लिया। निर्मला कोई जवाब ना दे सकी, फिर रोने लगी। भूंगी ने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ भैया, मेरी सारी उम्र इसी घर में कट गई, आज तक एक पैसे की चोरी नहीं हुई। दुनिया यही कहेगी कि भोगी का कौम है, अब तो भगवान ही पत्ता पानी रखे हमार। मुंशी जी अचकन के बटन खोल रहे थे, फिर बटन बंद करते हुए बोले, क्या हुआ, कौन सी चीज चोरी हो गई। भूंगी, बहू जी के सारे गहने उठ गए। मुंशी जी, कहां रखे थे। निर्मला ने सिसकियां लेते हुए रात की सारी घटना बयान कर दी, पर जियाराम की सूरत के आदमी के अपने कमरे से निकलने की बात ना कही। मुंशी जी ने ठंडी सांस भरकर कहा, ईश्वर भी बड़ा अन्यायी है जो मेरे उन्हीं को मारता है, जो मरे उन्हीं को मारता है, मालूम होता है दिन आ गए हैं। मगर चोर आया तो किधर से आया, कहीं सेन तो नहीं पड़ी है, और किसी तरह से आने का रास्ता भी तो नहीं है। मैंने तो कोई ऐसा पाप नहीं किया जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है। बार बार कहता रहा, गहने का संदूक ऊंचा ताक पर मत रखो, मगर कौन सुनता है मेरी। निर्मला, मैं क्या जानती थी कि यह गजब टूट पड़ेगा। मुंशी जी, अच्छा इतना तो जानती थी कि यह गजब
हो सकता है, और आज बनवाए जाऊं तो 10,000 से कम ना लगेंगे। आजकल अपनी जो दशा है वह तुमसे तो छिपी नहीं है, खर्च भर का मुश्किल से मिलता है मुझे, गहने कहां से बनेंगे। पुलिस में इतला कर आता हूं पर मिलने की उम्मीद तो ना समझो। निर्मला ने आपत्ति के भाव से कहा, जब जानते हैं कि पुलिस में इतला करने से कुछ ना होगा तो क्यों जा रहे हैं मुंशी जी। अरे दिल नहीं मानता और क्या, इतना बड़ा नुकसान उठाकर चुपचाप तो नहीं मैं बैठ सकता। निर्मला, मिलने वाले होते तो जाते ही क्यों, तकदीर में ना थे तो कैसे रहते। मुंशी जी, तकदीर में होंगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो गए तो गए। मुंशी जी कमरे से निकले। निर्मला ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं कहती हूं मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए। मुंशी जी ने हाथ छुड़ाकर कहा, तुम भी बच्चों की सी जिद कर रही हो, अरे 10,000 का नुकसान ऐसा नहीं है जिसे मैं यूं ही उठा लूं। मैं रो नहीं रहा हूं पर मेरे हृदय पर जो बीत रही है वह मैं ही जानता हूं, ये चोट मेरे कलेजे पर लगी है। मुंशी जी और कुछ ना कह सके, गला फंस गया। वे तेजी से कमरे से निकल आए और थाने पर जा पहुंचे। थानेदार उनका बहुत लिहाज करता था, उसे एक बार रिश्वत के मुकदमे से बरी करा चुके थे। उनके साथ की तफ्तीश करने आ पहुंचा, नाम था अलायर खान। शाम हो गई थी, थानेदार ने मकान के अगवाड़े पिछवाड़े घूम घूम कर देखा। अंदर जाकर निर्मला के कमरे को गौर से देखा, ऊपर की मुंडेर की जांच की, मोहल्ले के दो चार आदमियों से चुपके चुपके कुछ बातें की और तब मुंशी जी से बोले, जनाब खुदा की कसम ये किसी बाहर वाले का काम नहीं है, अगर बाहर का आदमी निकले तो आज से ही थानेदारी करना छोड़ दूं। आपके घर में कोई मुलाजिम ऐसा तो नहीं जिस पर आपको सुबह हो। मुंशी जी, घर में तो आजकल सिर्फ एक महरी है थानेदार जी। थानेदार, अजीब पगली है, ये किसी बड़े शातिर का काम है खुदा की कसम। मुंशी जी, अच्छा तो घर में और कौन है, मेरे दोनों लड़के हैं, स्त्री है और बहन है, इनमें से किस पर शक करूं, आप ही बताइए। थानेदार, खुदा की कसम घर ही के किसी आदमी का काम है, चाहे वह कोई हो, इंशाल्लाह 2-4 दिन में मैं आपको इसकी खबर दे दूंगा। ये तो नहीं कह सकता कि माल भी सब मिल जाएगा, पर खुदा की कसम चोर जरूर पकड़ कर दिखाऊंगा आपकी खातिर। थानेदार चला गया तो मुंशी जी ने आकर निर्मला से इसकी बातें कही। निर्मला सहम उठी, आप थानेदार से कह दीजिए तफ्तीश ना करें, आपके पैरों पड़ती हूँ। मुंशी जी, आखिर क्यों। निर्मला, अब क्यों क्या बताऊं, वह क्या कहां रहा है कि घर के किसी का काम है तो क्या जरूरत है। मुंशी जी, उसे बकने दो। जियाराम अपने कमरे में बैठा हुआ भगवान को याद कर रहा था, उसके मुंह पर हवाइयां उड़ रही थी। सुन चुका था कि पुलिस वाले चेहरे से भाप जाते हैं, बाहर निकलने की हिम्मत ही ना पड़ी। दोनों आदमियों में क्या बात हो रही है ये जानने के लिए छटपटा रहा था। जो ही थानेदार चला गया और भूंगी किसी काम से बाहर निकली, जियाराम ने पूछा, थानेदार क्या कर रहा था। भूंगी, दाढ़ीजार कहता था कि घर ही से किसी का आदमी का काम है, बाहर का कोई नहीं है। जियाराम, तो बाबूजा ने कुछ कहा नहीं बाबूजी ने। भूंगी, अरे कुछ तो नहीं कहा, खड़े हैं हूं हूं करते रहे, घर में एक ही भूंगी ही गैर है और तो सब अपने ही हैं। जियाराम, मैं भी तो गैर हूं ना, तो ही क्यों। भूंगी, तुम गैर हो काहे को भैया, गैर तो हम हैं। जियाराम, बाबूजी ने धानीदार से कहा नहीं घर में किसी पर उनका सुभा नहीं है। भूंगी, कुछ कहते तो नहीं सुना भैया, बेचारे धानेदार ने भले ही कहा, भूंगी तो पगली है, वह क्या चोरी करेगी, बाबूजी तो मुझे फंसा ही देते थे। जियाराम, तब तो तू भी निकल गई, अकेला मैं ही रह गया, तू ही बता, तूने मुझे उस दिन घर में देखा था। भूंगी, नहीं भैया, तुम तो थिएटर देखने गए थे ना। जियाराम, गवाही देगी ना। भूंगी, क्या कहते हो भैया, बहू जी तफ्तीश बंद कर देंगी। जियाराम, सच। भूंगी, हाँ भैया, बार बार कहती हैं कि तफ्तीश ना कराओ, गहने गए जाने दो पर बाबूजी मानते ही नहीं। 5-6 दिन तक जियाराम ने पेट भर भोजन नहीं किया, कभी 2-4 कौर खा लेता, कभी कह देता भूख नहीं है। उसके चेहरे का रंग उड़ा रहता था, रातें जागते करती प्रतिक्षण थानेदार की शंका बनी रहती थी। यदि वह जानता कि मामला इतना तूल खींचेगा तो कभी ऐसा काम ही ना करता। उसने तो समझा था किसी चोर पर सुबह हो जाएगी, मेरी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा, पर अब भंडा फूटता हुआ मालूम होता था। अब हवा थानेदार जिस ढंग से छानबीन कर रहा था उससे जियाराम को बड़ी शंका हो रही थी। 7वें दिन संध्या समय घर लौटा तो बहुत चिंतित था, आज तक उसे बचने की कुछ ना कुछ आशा थी, माल अभी तक कहीं बरामद ना हुआ था, पर आज उसे माल के बरामद होने की खबर भी मिल गई थी।
इसी दम थानेदार कांस्टेबल के लिए आता होगा। बचने की तो कोई उपाय ही नहीं रहा। थानेदार को रिश्वत देने से संभव है मुकदमे को दबा दें। रुपए हाथ में थे पर क्या बात छिपी रहेगी। अभी माल बरामद नहीं हुआ, फिर भी सारे शहर में अफवाह थी कि बेटे ने ही माल उड़ाया है। माल मिल जाने पर तो गली गली बात फैल जाएगी, फिर वे किसी को क्या मुंह दिखाएगा। मुंशी जी कचहरी से लौटे तो बहुत घबराए हुए थे, सिर थाम कर चारपाई पर बैठ गए। निर्मला ने कहा, कपड़े क्यों नहीं उतारते, आज तो और दिनों से देर हो गई है। मुंशी जी, क्या कपड़े उतारू, तुमने कुछ सुना? निर्मला, क्या बात है जी, मैंने तो कुछ नहीं सुना। मुंशी जी, माल बरामद हो गया है, अब जिया का बचना मुश्किल है। निर्मला को आश्चर्य नहीं हुआ, उसके चेहरे से ऐसा जान पड़ा मानो उसे ये सब बात मालूम थी। बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी कि थाने में इतला मत कजिए। मुंशी जी, तुम्हें जिया पर शक था? निर्मला, शक क्यों नहीं था, मैंने उन्हें अपने कमरे से निकलते देखा था। मुंशी जी, फिर तुमने मुझसे क्यों नहीं कह दिया? निर्मला, ये बात मेहरे पहने की ना थी, आपके दिल में जरूर ख्याल आता कि ये ईर्ष्यावश आक्षेप लगा रही है, कहिए ये ख्याल होता या नहीं, झूठ ना बोलिएगा। मुंशी जी, हाँ संभव है, मैं इनकार नहीं कर सकता, फिर भी उसकी दशा में तुम्हें मुझसे कह देना चाहिए था, रिपोर्ट की नौबत ही ना आती। तुमने अपनी नेकनामी की तो फिक्र की पर यह ना सोचा कि परिणाम क्या होगा। मैं अभी थाने में चला जाता हूँ, अलायार खान आता ही होगा। निर्मला ने हताश होकर पूछा, फिर अब? मुंशी जी ने आकाश की ओर ताकते हुए कहा, फिर जैसे भगवान की इच्छा, और क्या, 1000-2000 रुपए रिश्वत देने के लिए होते तो शायद मामला दब जाता, पर मेरी हालत तुम जानती हो, तकदीर खोटी है और कुछ नहीं, पाप तो मैंने किया है, तन कौन भोगेगा, एक लड़का था उसकी वह दशा हुई, दूसरे की ये दशा हो रही है। नालायक था, गुस्साख था, कामचोर था, पर था तो अपना ही लड़का, कभी ना कभी चेत ही जाता, ये चोट अपना सही जाएगी। निर्मला, अगर कुछ देर दिलाकर जान बच सके तो मैं रुपए का प्रबंध कर दूं। मुंशी जी, कर सकती हो तो कितने रुपए दे सकती हो? निर्मला, कितना दरकार होगा? मुंशी जी, 1000 से तो कम शायद बातचीत ना हो सके, मैंने एक मुकदमे में उससे 1000 लिए थे, वह कसर आज निकालेगा जरूर। निर्मला, हो जाएगा, अभी थाने जाइए। मुंशी जी को थाने में बड़ी देर लगी, एक आदमी बातचीत करने का बहुत देर से मौका मिला। अलायर खां पुराना घाट था, बड़ी मुश्किल से अंठी पर चढ़ा, 500 रुपए लेकर भी एहसान का बोझ सिर पर लाद ही दिया, काम हो गया। लौटकर निर्मला से बोला, लो भाई बाजी मार ली, रुपए तुमने दिए पर काम मेरी जबान ही नहीं किया, बड़ी बड़ी मुश्किल से राजी हो गया है, ये भी याद रहेगी, जी आराम भोजन कर चुका है। निर्मला, कहां, वो तो अभी घूमकर लौटे ही नहीं। मुंशी जी, 12 तो बज रहे होंगे। निर्मला, कई दफे जाकर देखा ही, कमरे में अंधेरा पड़ा हुआ है। मुंशी जी, और सियाराम? वह तो खा पी कर सो गए हैं। मुंशी जी, उससे पूछा नहीं कि जिया कहाँ गया है? हाँ, वह तो कहते थे मुझसे कुछ कहकर नहीं गए। मुंशी जी को कुछ शंका हुई, सियाराम को जगाकर पूछा, तुमने जियाराम ने कुछ कहा कि नहीं, कब तक लौटेगा, कहाँ गया? सियाराम ने सिर खुजलाते हुए और आंखों को मलते हुए कहा, मुझसे कुछ नहीं कहा। मुंशी जी, कपड़े सब पहन कर गया कहाँ? सियाराम जी, नहीं, कुर्ता और धोती। मुंशी जी, जाते वक्त खुश था? सियाराम, खुश तो नहीं मालूम होते थे दीपिता जी, कई बार अंदर आने का इरादा किया पर देरी से ही लौट गए, कई मिनट तक तो साहिबान में खड़े रहे, चलने लगे तो आंखें पोछ रहे थे, इधर कई दिन से अक्सर रोया भी तो करते थे। मुंशी जी ने ऐसी ठंडी सांस ली मानो जीवन में अब कुछ रहा ही नहीं, और निर्मला से बोले, तुमने किया तो अपनी समझ में भले ही के लिए, पर कोई शत्रु भी मुझ पर इससे कठोर आघात ना कर सकता था, जियाराम की माता होती तो क्या यह संकोच करती, कदापि ना करती। निर्मला बोली, जरा डॉक्टर साहब के यहाँ क्यों नहीं चले जाते, शायद वहां बैठे हों, कई लड़के रोज आते हैं, उनसे पूछिए, शायद कुछ पता लग जाए, फूंक फूंक कर चलने पर भी अपेश लग ही गया मुझे। मुंशी जी ने मानो खुली हुई खिड़की से कहा, हाँ जाता हूँ, और क्या करूंगा। मुंशी जी बाहर आए तो देखा डॉक्टर सिन्हा खड़े हैं, चौंककर पूछा, क्या आप देर से खड़े हैं? डॉक्टर, जी नहीं अभी आया हूँ, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं, 12:30 हो रहे हैं। मुंशी जी, आप ही की तरफ आ रहा था, जियाराम अभी तक घूमकर नहीं आया, आपकी तरफ तो नहीं गया था। डॉक्टर सिन्हा ने मुंशी जी के दोनों हाथ पकड़ लिए और इतना कह पाए थे, भाई साहब अब धैर्य से काम कीजिए। मुंशी जी खोली खाए हुए मनुष्य की भांति जमीन पर गिर पड़े। अब की सुधा के साथ निर्मला को भी आना पड़ा, वह तो मैके में कुछ दिन और रहना चाहती थी लेकिन शोकातुर सुधा अकेले से रही।
उसको आकर आना ही पड़ा। रुकमणी ने पुंगी से कहा, देखती हूँ मऊ कैसे निकल कर आई है। रुकमणी ने निर्मला से त्योरिया बदलकर कहा, क्या नंगे पांव ही मदरसे जाएगा? निर्मला ने बच्ची के बाल कूदते हुए कहा, मैं क्या करूं, मेरे पास रुपए नहीं है। रुकमणी, गहने बनवाने को रुपए जुड़ते हैं, लड़के के जूतों के लिए रुपयों में आग लग जाता है। आए, दो चले ही गए और क्या तीसरे को भी रुला रुला कर मार डालोगे का? निर्मला, जिसको जीना है जिएगा, जिसको मरना है मरेगा, मैं किसी को मारने चिलाने नहीं आती। आजकल एक ना एक बात पर निर्मला को रुकमणी में रोज ही झड़प हो जाती थी। जब से गहने चोरी हो गए हैं, निर्मला का स्वभाव बिल्कुल बदल गया है। वह एक एक कौड़ी दांत से पकड़ने लगी है। सियाराम रोते रोते चाहे जान दे दे, अगर उसे मिठाई के लिए पैसे नहीं मिलते। और यह बर्ताव कुछ सियाराम ही के साथ नहीं है, निर्मला स्वयं अपनी जरूरतों को भी टालती रहती है। धोती जब तक फट कर तार तार ना हो जाए, नई धोती नहीं आती। महीनों सिर का तेल नहीं मंगाया जाता। पान खाने का उसे शौक था। कई कई दिन तक पानदान खाली पड़ा रहता है। यहाँ तक कि बच्ची के दूध के लिए भी नहीं आता। नन्हे से शिवशु का भविष्य विराट रूप धारण करके उसे विचार क्षेत्र पर मंडराता रहता है। मुंशी जी ने अपने को संपूर्णतया निर्मला के हाथों में सौंप दिया है। उसके किसी काम में दखल ही नहीं देते। ना जाने क्यों उससे कुछ दबे दबे रहते हैं। वे अब बिना नागा कचहरी जाते हैं। इतनी मेहनत उन्होंने जवानी में भी ना की थी। आंखें खराब हो गई हैं। डॉक्टर सिन्हा ने रात को लिखने पढ़ने की ना भी कर दी, मनाही भी की थी। पर पाचन शक्ति पहले ही दुर्बल थी, अब और भी खराब हो गई है। दमे की शिकायत भी पैदा हो चली है। पर बेचारे सवेरे से आधी आधी रात तक काम करते हैं। काम करने को जी चाहे या ना चाहे, तबीयत अच्छी हो या ना हो, काम करना ही पड़ता है। निर्मला को उन पर जरा भी दया नहीं आती। वही भविष्य की भीषण चिंता उसके आंतरिक सद्राओं को सर्वनाश कर रही है। किसी भिक्षु की आवाज सुनकर झल्ला पड़ती है। वह एक कौड़ी भी खर्च नहीं करना चाहती। एक दिन निर्मला ने सियाराम को खिलाने के लिए बाजार भेजा। भोंगी पर उनका विश्वास अब कम हो गया था। उससे अब कोई सौदा नहीं मंगाती थी। सियाराम में काट कपट की आदत तो थी नहीं, औने पौने करना जानता ना था। प्राय बाजार का सारा काम उसी को करना पड़ता था। निर्मला एक एक चीज को तोलती, जरा भी कोई चीज तोल में कम पड़ती तो उसे लौटा देती। सियाराम का बहुत सा समय इसी लौट फेरी में बीत जाता था। बाजार वाले उसे जल्दी कोई सौदा ना देते थे। आज भी वही नौबत आई। सियाराम अपने विचार से बहुत अच्छा घी कई दुकान से देकर लाया। निकल निर्मला ने उसे सूंघते ही कहा, घी खराब है, लौटा आओ। सियाराम ने झुंझला कर कहा, इससे अच्छा घी बाजार में नहीं है, मेरी सारी सुख दुकानें देकर लाया हूँ। निर्मला, अच्छा तो मैं झूठ बोल कहती हूँ। सियाराम, ये मैं नहीं कहता, लेकिन बनिया आप घी वापिस नहीं लेगा। उसे मुझसे कहा था, जिस तरह देखना चाहो यही देख लो, माल तुम्हारे सामने है। भोनी बट्टे के वक्त मैं सौदा वापस नहीं लूंगा। मैंने सूंघ कर चक्कर लिया है, अब किस मुंह से लौटाने जाऊंगा। निर्मला ने दांत पिसकर कहा, घी में साफ चर्बी मिली हुई है और तुम कहते हो घी अच्छा है। मैं इसे रसोई में नहीं ले जाऊंगी, तुम्हारा जी चाहे लौटा दो चाहे खा लो। घी की हांडी वही छोड़कर निर्मला घर में चली गई। सियाराम क्रोध और छोर से कातर हो उठा। वह कौन मुंह लेकर लौटाने जाए? बनिया साफ कह देगा मैं नहीं लौटाता, तब वह क्या करेगा? आसपास के 10-5 बनिए और सड़क पर चलने वाले आदमी खड़े हो जाएंगे। उन सबों के सामने उसे लज्जित होना पड़ेगा। बाजार में यूं ही कोई बनिया उसे जल्दी सौदा तो देता नहीं था। वह किसी दुकान पर खड़ा होने पाता नहीं था। चारों ओर से उसी पर लताड़ पड़ेगी। उसे मन ही मन झुंझला कर कहा, पड़ा रहेगी, मैं तो न लौटाने जाऊंगा। मात्रहीन बालक के समान दुखी दीन प्राणी संसार में दूसरा नहीं होता और सारे दुख भूल जाते हैं। बालक को माता याद आई, अम्मा होती तो क्या आज मुझे ये सब सहना पड़ता? भैया चले गए, मैं ही अकेला ये विपत्ति सहने के लिए क्यों बचा रहा? सियाराम की आंखों में आंसू की झड़ी लग गई। उसके शोक कातर कंठ से एक गहरे निश्वास के साथ मिले हुए शब्द निकल आए, अम्मा तुम मुझे भूल क्यों गई, क्यों नहीं मुझे बुला लेती? सहसा निर्मला फिर कमरे की तरफ आई। उसने समझा था सियाराम चला गया होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रोज की तरह वो वहीं बैठा था। उसे बैठा देखा तो गुस्से से बोली, तुम अभी तक बैठे हो, आखिर खाना कब बनेगा? प्रियाराम ने आंखें पोछ ली, बोला, मुझे स्कूल जाने में देर हो जाएगी। निर्मला, एक दिन देर हो जाएगी तो कौन हरज है, ये भी तो घर का ही काम है।
सियाराम, रोज तो यही धंधा लगा रहता है, कभी वक्त पर स्कूल नहीं पहुंचा, घर पर भी पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, कोई सौदा दो चार बार लौटाए बिना नहीं जाता, डांट तो मुझ पर पड़ती है, शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ता है, आपको क्या? निर्मला, हाँ मुझे क्या, मैं तो तुम्हारी दुश्मन ठहरी, अपना होता तब तो उसे दुख होता, मैं तो ईश्वर से मनाया करती हूँ कि तुम पढ़ लिख ना सको, मुझ में सारी बुराइयां ही बुराइयां हैं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, विमाता का नाम ही बुरा होता है बेटा, अपनी माँ विष भी खिलाए तो अमृत है, और मैं अमृत भी पिलाऊं तो विष हो जाएगा, तुम लोगों के कारण मैं मिट्टी में मिल गई, रोते रोते उम्र कटी जाती है, मालूम ही ना हुआ कि भगवान ने किस लिए जन्म दिया था, और तुम्हारी समझ में मैं विहार कर रही हूँ, तुम्हें सताने में मुझे बड़ा मजा आता है, भगवान भी नहीं पूछते कि सारी विपत्ति का मुझे मेरा अंत हो जाए। ये कहते कहते निर्मला की आंखें भर आई, अंदर चली गई, सियाराम को उसको रोते देखकर सहम उठा, ग्लानि तो नहीं आई पर शंका हुई कि ना जाने कौन सा दंड मिले, चुपके से आंधी उठा ली और घी लौटाने चला, इस तरह जैसे कोई कुत्ता किसी नए गांव में जाता है, उसे देखकर साधारण बुद्धि का मनुष्य भी अनुमान कर सकता था कि वह अनाथ है। सियाराम ज्यो ज्यो आगे बढ़ता था, आने वाले संग्राम के भय से उसकी हृदय गति बढ़ती जाती थी, उसने निश्चय किया बनिए ने घी ना लौटाया तो वह घी वहीं छोड़कर चला आएगा, छट मारकर बनिया आप ही बुलाएगा, बनिए को डांटने के लिए भी उसने शब्द सोच लिए, वह कहेगा क्यों साहू जी आंखों में धूल झोंकते हो, दिखाते हो चोखा और मार देते हो देते हो रद्दी का माल, पर यह निश्चय करने पर भी उसके पैर आगे बहुत धीरे धीरे उठते थे, वह ना चाहता था बनिया उसे आता हुआ देखे, वह अकस्मात ही उसके सामने पहुंच जाना चाहता था, इसलिए वह चक्कर काट कर दूसरी गली से बनिए की दुकान पर गया, बनिए ने उसे देखते ही कहा हमने कह दिया था ना कि हमें सौदा वापस नहीं लेना है, बोलो कहा था कि नहीं। सियाराम, तुमने वही की है घी कहां दिया जो दिखाया था, अरे दिखाया एक माल और दिया दूसरा माल, लौटाओगे कैसे नहीं, क्या कुछ राजहानी है तुम्हारी? सा इससे छोका कि भैया बाजार में ना निकल आए तो जरी दाना दूं, उठा लो हांडी और दो चार दुकान देख आओ फिर। सियाराम, हमें इतनी फुर्सत नहीं है, अपना घी लौटा लो। भैया घी तो ना लौटेगा। बनिए की दुकान पर एक जटाधारी साधु बैठा हुआ ये तमाशा देख रहा था, उठकर सियाराम के पास आया और हांडी का घी सुनकर बोला बच्चा घी तो बहुत अच्छा मालूम होता है। शाह ने शह पाकर कहा बाबा जी हम लोग तो आप ही इनको घटिया माल नहीं देते, खराब माल क्या जाने सुने ग्राहकों को दे दिया जाता है। साधु, घी ले जाओ बच्चा बहुत अच्छा है। सियाराम मरो पड़ा, घी को बुरा सिद्ध करने के लिए उसके पास अब क्या प्रमाण था, बोला वही तो कहती हैं घी अच्छा नहीं है लौटाओ, मैं तो कहता था कि घी अच्छा है। साधु, कौन कहता है? सा, अरे इसकी अम्मा कहती होंगी, कोई सौदा उनके मन ही नहीं भाता, बेचारे लड़के को बार बार दौड़ाया करती हैं, सौतेली माँ है ना, अपनी माँ हो तो कुछ ख्याल भी करे। साधु ने सियाराम को सदै नेत्रों से देखा, मानो उसे त्राण देने के लिए उनका हृदय विकल हो रहा है, तब करुण स्वर से बोले तुम्हारी माता स्वर्गवास हुए कितने दिन हुए बच्चा? सियाराम, छठा साल है साधु जी। साधु, तो तुम उस वक्त बहुत ही छोटे रहे होगे, भगवान तुम्हारी लीला कितनी विचित्र है, इस दुर्मेह बालक को तुमने मात्र प्रेम से वंचित कर दिया, बड़ा अनर्थ करते हो भगवान, 6 साल का बालक और राक्षसी विमाता के पाले पड़ा, धन्य हो दयानिधि, साजी बालक पर दया करो, घी लौटा लो नहीं तो इसकी माता इसे घर में रहने ना देगी, भगवान की इच्छा से तुम्हारा घी जल्द बिक जाएगा और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। शाहजी ने रुपए वापस ना किए, आखिर लड़के को फिर घेर लेने आना ही पड़ेगा, ना जाने दिन में कितनी बार चक्कर लगाना पड़े और किस जालिम से पाला पड़े। उसकी दुकान में जो घी सबसे अच्छा था, सियाराम दिल से सोच रहा था बाबा जी कितने दयालु हैं, इन्होंने सिफारिश ना की होती तो शाहजी क्यों अच्छा घी देते। सियाराम ने पूछा आपके पिताजी ने भी तो दूसरा विवाह कर लिया था। बच्चा, मेरी माता भी तुझे 3 साल का छोड़कर परलोक सिधार गई थी, तभी से मात्र विहीन बालकों को देखता हूं तो मेरा हृदय फटने लगता है। साधु, हाँ बच्चा, नहीं तो आज साधु क्यों होता, मेरे पिताजी ने भी दूसरा विवाह कर लिया था, पहले तो पिताजी विवाह ना करते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, फिर ना जाने क्यों मन बदल गया विवाह कर लिया। साधु हूँ, कटु वचन मुँह से नहीं निकलना चाहिए, पर मेरी विमाता जितनी ही सुंदर थी उतनी ही कठोर थी, मुझे दिन दिन भर खाने को ना देती थी, रोता तो मारती थी, पिताजी की आंखें भी फिर गई, उन्हें मेरी सूरत से घृणा होने लगी, मेरा रोना सोना सुनकर मुझे पीटने लगे थे, अंत को मैं एक दिन घर से निकल खड़ा हुआ।
सियाराम के मन में भी घर से निकल भागने का विचार कई बार हुआ था। इस समय भी उसके मन में यही विचार उठ रहा था। बड़ी उत्सुकता से बोला, घर से निकलकर आप कहाँ गए थे? बाबा जी ने हंसकर कहा, उसी दिन मेरे सारे कष्टों का अंत हो गया जिस दिन घर के मोह बंधन से छूटा और भय मन से निकला, उसी दिन मानो मेरा उद्धार हो गया। दिन भर में एक पुल के नीचे बैठा रहा, संध्या समय मुझे एक महात्मा मिल गए। उनका स्वामी परमानंद जी था नाम। वे बाल ब्रह्मचारी थे। मुझ पर उन्होंने दया की और अपने साथ रख लिया। उनके साथ मैं देश देशांतरों में घूमने लगा हूँ। बड़े अच्छे योगी थे, मुझे भी उन्होंने योग विद्या सिखाई। अब तो मेरे को इतना अभ्यास हो गया है कि जब इच्छा होती है माता जी के दर्शन कर लेता हूँ, उनसे बात भी कर लेता हूँ। सियाराम ने विस्फोरित नेत्रों से देखकर पूछा, आपकी माता को तो देहांत हो चुका था साधु, तो क्या हुआ बच्चा? योग विद्या में वह शक्ति है कि जिस मृत आत्मा को चाहे बुला ले। सियाराम, मैं योग विद्या सीख लूं तो मुझे भी माता जी के दर्शन होंगे? साधु, अवश्य अवश्य, अभ्यास से सब कुछ हो सकता है बच्चा। हाँ, योग गुरु चाहिए, योग से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। जितना धन चाहो पल मात्र में मांग सकते हो, कैसे ही बीमारी हो उसकी औषधि आ सकती है। सियाराम, आपका स्थान कहाँ है बाबा जी? साधु, बच्चा मेरे को स्थान कहीं नहीं है, देश देशांतरों से रमता फिरता हूँ। अच्छा बच्चा, अब तुम जाओ, मैं जरा स्नान ध्यान करने जाऊंगा। सियाराम, चलिए मैं भी उसी तरफ चलता हूँ, आपके दर्शन से जी नहीं भरा। साधु, नहीं बच्चा, तुम्हें पाठशाला जाने की देरी हो रही होगी। सियाराम, फिर आपके दर्शन कब होंगे? साधु, कभी आ जाऊंगा। तुम्हारा घर कहाँ है बच्चा? सियाराम प्रसन्न होकर बोला, चलिएगा मेरे घर, बहुत नजदीक है, आपकी बड़ी कृपा होगी। सियाराम कदम बढ़ाकर आगे आगे चलने लगा, इतना प्रसन्न था मानो सोने की गठी लिए जाता हो। घर के सामने पहुंचकर बोला, आइए बैठिए कुछ देर। साधु, नहीं बच्चा, बैठूंगा नहीं, फिर कल परसों किसी समय आऊंगा, यही तुम्हारा घर है ना? सियाराम, हाँ, कल किस वक्त आएगा बाबा जी? साधु, निश्चय नहीं कह सकता बच्चा, किसी समय आ जाऊंगा। साधु, साधु आगे बढ़े तो थोड़ी दूर पर उन्हें एक दूसरा साधु मिला। उसका नाम हरिहर नंद था, हरिहर नंद था। परमानंद से पूछा, कहाँ कहाँ की सैर की? कोई शिकार फंसा? हरिहर आनंद, इधर चारों तरफ घूम आया, कोई शिकार ना मिला, एकाध मिला भी तो वो मेरी हंसी उड़ाने लगा। परमानंद, मुझे भी तो एक मिलता हुआ जान पड़ता है, फंस जाए तो जानू। हरिहर नंद, तुम यू ही कहा करते हो, जो आता है दो एक दिन के बाद निकल भागता है। परमानंद, अब की ना भागेगा, देख लेना, इसकी माँ मर गई है, बाप ने दूसरा विवाह कर लिया है, माँ भी सताया करती है, घर से उबा हुआ है बेचारा। हरिहर नंद, खूब अच्छी तरह ये तरकीब सबसे अच्छी है, पहले इसका पता लगा लेना चाहिए कि मोहल्ले में किन किन घरों में भी माताएं हैं, नहीं घरों में फंदा डालना चाहिए।